से आप लोगों का स्वागत है एक अपने नए गेम के वीडियो के साथ। और वेलकम टू 64 बिट्स गेमिंग चैनल। यहाँ पे आज हम लोग फिर से एक नया गेम लेके आए हैं जिसका नाम है फ्री द की। इस गेम के जो डेवलपर्स हैं वो है एलेक्स हैरिसन, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया गेम है और एक बहुत ही शानदार गेम है। इस गेम का लिंक और सारा जो भी इसका डिटेल्स है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ दोस्तों। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक ही रहेगा, हम लोगों को इस गेटवे से इसको पार करना पड़ेगा। और इसका म्यूजिक भी बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे अपना जो चाबी है उसका हम लोग रास्ता बना दिया है यहाँ पे। अपना रास्ता ओपन हो चुका है दोस्तों। तो धीरे धीरे जैसे लेवल आगे बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को और भी काफ़ी सारे जैसे कि कुछ डिफिकल्टीज रहेंगे वो सामने आ सकते हैं दोस्तों इसमें। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये तो चाबी ब्लॉक हो चुकी है। और हम लोग सबसे पहले ये सोचेंगे कि इसको हम लोग आगे कैसे ले जा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसका रास्ता निकाल दिया यहाँ पे। तो मूव्स का आपको यहाँ पे 21 मूव्स मैंने किया था। और ये देखिए, फिर से मैं इसको भी सबसे पहले तो मैं इसको नीचे लूँगा, तो मुझे इसका भी हाइट इसके नीचे तक आना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे इसको भी ऊपर कर लूँगा ताकि मैं इसको जब नीचे करूँगा तो ये एकदम ऊपर से चला जाए, और इसको ऊपर करने के बाद ये भी तो नीचे आ जाए और अपना रास्ता क्लियर हो जाए। तो टोटल 25 मूव्स करना पड़ा हम लोगों को दोस्तों वो पार करने के लिए यहाँ पे। और ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस गेम में, क्योंकि ये जो कुछ भी गेम है ये स्किल का गेम है दोस्तों। क्योंकि स्किल सेट के जो गेम्स होते हैं ये काफ़ी अलग टाइप के गेम्स होते हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, हम लोगों ने ऐसे ऐसे करते हुए थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मूव्स भी अपने काफ़ी हो चुके हैं यहाँ पे दोस्तों, और मुझे लगता है कि मैं पहले इसको ऊपर कर लूँगा तो ये ऐसे आ जाएगा। तो मुझे कैसे भी करके इसको थोड़ा सा पीछे खिसकाना पड़ेगा ताकि ये नीचे आ जाए। बहुत बढ़िया, रास्ता अपना 38 मूव्स के बाद बन चुका है दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि तो ये दोनों को मैं नीचे ले जाता हूँ तो अपना रास्ता बन गया दोस्तों यहाँ पे। तो इस गेम का नाम है फ्री द की। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया जो इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो आपको सुनाई दे रहा है दोस्तों। जैसे कि आप लोग किसी ब्रिक को मतलब खिसका रहे हो इस गेम में, उस तरह का एक फीलिंग आपको आएगा यहाँ पे। तो अपना जो इसको पहले ऊपर लेंगे तो अपना ये फ्री हो गया। तो इसको ऐसे करने के बाद अपना ये फ्री हो गया। अभी अब ये तीनों फ्री हो जाएंगे। तो हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली 27 मूव्स में कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और ये देखिए, थोड़ा सा हम लोगों को आगे पीछे करना पड़ेगा यहाँ पे। और इसको भी थोड़ा सा मुझे खिसकाना पड़ेगा यहाँ पे ताकि ये वाला नीचे आ सके। और ये देखिए, ये ऐसे हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि इसको पहले नीचे लूँगा मैं, और फिर मैं इसको भी इधर खिसका लूँगा ताकि मुझे एरिया बन सके इन सारे ईंटों को रखने के लिए। तो और मेरा भी, अरे बाहर जा भाई। तो थोड़ा सा दिक्कत था दोस्तों यहाँ पे। और हम लोग अभी फिर से देखेंगे। ये देखिए कितना टेक्निकली यहाँ पे बन चुका है ये। अब ये फंस गया यहाँ पे।
तो इसको हम लोगों को फंसाना नहीं है किसी भी हालत में, और इसको अगर हम लोग यहाँ तक लेंगे तो मैं वही सोच रहा हूँ कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों। इसको ऐसे लेंगे तो ये ऐसे हो गया है। नहीं, फिर से इसको वही रिप्लेस करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो अपना रास्ता यहाँ तक बन गया है दोस्तों। और मुझे किसी भी तरीके से ये दोनों का जो गैप है इसके अंदर फिल आउट करना है, तो हम लोग इसको फिर से एक रिप्ले करेंगे इसी लेवल को, और देखेंगे कि हम लोग कैसे इस लेवल को आगे ले जा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक अपनी ईंट बहुत सही से आ रही है, लेकिन इस वाले जगह को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि बहुत बढ़िया रास्ता बन गया दोस्तों। अरे रुक जाओ भाई। हाँ, तो हम लोगों ने 17 मूव्स में सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है, और इसको हम लोग ऐसे खिसकाएंगे तो ये पीछे चला जाएगा अभी। और पता नहीं कैसे कर दिया मैंने, लेकिन ये पार हो गया दोस्तों। तो देखिए, इसको अगर ऐसे खिसकाएंगे तो देखिए, ऐसे होने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे करने के बाद ये ऐसे खिसकेगा। नहीं, इसको नहीं, इसको खिसकाएंगे ताकि ये यहाँ तक आ जाए। और हाँ, तो मुझे कैसे भी करके इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तब मैं इसको इसको यहाँ पे खिसका सकता हूँ। तो देखते हैं इसको बिना खिसकाए कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग। इसको थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा कहीं से, तो लोग वही देखते हैं अभी कैसे कर सकते हैं ये। हो सकता है यहाँ से कुछ हिंट मिल सके। फिर से हम लोग इसको रिप्ले कर देंगे, ताकि बहुत कोशिश कर लिया हम लोगों ने। सबसे पहले इसको ऐसे खिसकाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे खिसका देंगे तो देखते हैं दोस्तों यहाँ से कुछ हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो रास्ता तो निकालना पड़ेगा अभी यहाँ पे। बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो हो गया, अभी ये थोड़ा सा पीछे तो आ गया है। अभी ये भी ऐसे ही खिसकेगा, ठीक है। और इसको ऐसे खींचने से पहले ये वाला थोड़ा सा हम लोगों को इस वाले को ऐसे भी करके खिसकाना पड़ेगा, ताकि ये इसके नीचे आ जाए और ये बाहर चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक ईंट को ब्लॉक हो गया ये तो, ठीक है ठीक है। एकदम बहुत ही पेचीदा वाला गेम है दोस्तों ये, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट पार करने की। ये तो इतना बन गया अभी, इसको ऐसे कर रहे हैं, लेकिन इसको पीछे ले लेंगे। अरे भाई साहब, मैं तो फंस गया यहाँ पे, अभी कुछ आइडियाज़ भी नहीं आ रहे हैं। देखते हैं क्या, इसमें कुछ हिंट भी नहीं है यहाँ पे दोस्तों। इसको ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे जाएगा, तो इसको पीछे ले लेंगे, ठीक है। और फिर से रिप्ले मारेंगे दोस्तों, बहुत कोशिश कर लिया इसमें अभी। और इसको ऐसे करने के बाद ये ऐसे नीचे बिठाना नहीं चाहिए हम लोग, क्योंकि ओके
इसको इतना करने के बाद देखते हैं ये ऐसे आ रहा है, इसको ऐसे क्यों नहीं घुमा सकते भाई। ये हो गया, ये ऊपर का तो पूरा पैक हो गया अभी। इनको कैसे भी करके खिसकाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे भी नहीं खिसका सकते। हो गया भाई, बहुत बढ़िया। पता नहीं कैसे हुआ लेकिन हो गया ये वाला लेवल कंप्लीट। तो अभी हम लोगों को ये ऐसे खिसका के, देखिए ये माइंड गेम्स में बहुत ही एक बढ़िया सा एक टेक्निक लगाना बहुत ज़रूरी रहता है यहाँ पे। इसको पीछे ले लेंगे और ये ऐसे ब्लॉक हो गया तो इसको नीचे कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा नहीं आ रहा है लेकिन 2 3 1 2 3, ठीक है ठीक है। तो इसको भी ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर से रिप्ले मारेंगे ताकि, है तो सिंपल। इसको पहले नीचे लिया, इसको ऐसे लिया, इसको ऐसे लिया, ठीक है। फिर इसको ऐसे लिया, इसको ऐसे लिया, इसको ऐसे लिया, फिर इसको ऊपर ले लिया, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3, इसको कैसे भी करके पीछे लेना पड़ेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ तक आ गया, इसको बढ़िया, इसको एक फिट कर दिया मैंने अभी, लेकिन इसको ऊपर फिट कर देंगे, ठीक है। तो ये जैसे आएगा नीचे फिट हो जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट तो हो चुका है ऐसे तैसे करके, बस थोड़ा सा मुझे इसमें फिट करना है इसको कैसे भी करके। रिप्ले मारेंगे दोस्तों और इस बार ठीक है इसको ऐसे लेंगे। मैं इसको क्या करेंगे, मैं अभी पूरा कंफ्यूज हो गया, अभी इसको कैसे क्या करेंगे भाई, ठीक है। अभी दिक्कत जो आ रही है वो इस वाले में आ रही है, ठीक है। तो हम लोगों को या तो इसको ऐसे पूरा खिसकाना पड़ेगा ताकि, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, 1 2 3 में ये फिट हो जाए, ठीक है। और ये ऐसे फिट हो सकते, देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी। इसको ऊपर ले लो, फिर से फिर से फिर से इसको ऊपर भेज दो, इसको फिर आगे भेज देंगे, इसको ऐसे कर लेंगे ताकि ये आगे आ जाएगा। और यहाँ तक अगर देखेंगे तो एग्जैक्ट 3 और 3 पे बैठ रहा है, और इसको ऐसे रख देंगे, नीचे ले लेंगे। तो ये भी ब्लॉक है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं